नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल नेक्स्ट न्यूज़ टुडे में। तो दोस्तों, आज हम आपको आधार कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना हो, या आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो, या आपका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, आपको एड्रेस बदलना हो, तो आप किस प्रकार से बदल सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहे। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पर आना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोस्तों UID का ही साइट है, तो आधार का ये साइट है। और यहाँ पे आपको आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक कर डायरेक्ट आप इस साइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर आधार में लिंक है या नहीं है उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप इसमें बिल्कुल भी नया मोबाइल नंबर देकर आप यहाँ प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर नया मोबाइल नंबर देते हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर जोड़ना है तो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, यदि आपको बायोमेट्रिक चेंज करना है तो भी, या आपको आधार कार्ड में फ़ोटो बदलना हो, या आपको एड्रेस बदलना हो, तो भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा, या कैप्चा भी आपको दोस्तों यहाँ पे फिल करना होगा। यदि आपको कैप्चा समझ में ना आता हो तो आप ट्राई अनदर पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा कैप्चा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड OTP दिख रहा होगा सबसे नीचे, तो आपको सेंड OTP क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो भी फिल किया होगा उस पर आपको एक OTP आएगा, उस OTP को दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर OTP पर डालना होगा, और उसके बाद सबमिट OTP क्लिक करना होगा। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद OTP भी सेंड कर लिया, उसके बाद OTP आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सबमिट OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नया फीचर आ गया। यदि आपको नया आधार कार्ड बनाना होगा तो आपको यहाँ प्लस का जो चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, न्यू एनरोलमेंट, वहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आपको आधार में अपडेट करना होगा तो आपको आधार अपडेट पर क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हम आधार अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही आप आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे आपको सबसे पहले जिस भी आधार कार्ड को सुधार करना होगा वो आधार कार्ड यहां पे नंबर डायल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नेम इंटर करना होगा। तो चलिए हम फिलहाल इसमें नेम और आधार नंबर भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों फिल करने के बाद दोस्तों आपको जिस भी प्रकार की समस्या से समाधान करना होगा उसमें आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको मोबाइल नंबर जोड़ना होगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा, एड्रेस में त्रुटि हो तो एड्रेस पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल दोस्तों हम डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर करेक्शन करते हैं, तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके बारे में जानकारी मांगेगा। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कॉन्फर्मेशन के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे टिक लगाने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास दोस्तों आप देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सबमिट, आपका अपॉइंटमेंट ID एक मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको बुक करना होगा, तो यहाँ पे आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से सर्च करने को एड्रेस आ जाएगा। तो आपको दोस्तों आधार सेंटर सर्च करना है कि आपका आधार सेंटर कहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर नेम से भी चूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन है पिन कोड से, अगले ऑप्शन है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से, और पोस्ट ऑफिस विलेज से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पिन कोड से सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे डाटा आ जाएंगे जो कि आपका आधार सेंटर होगा। तो आपका जो भी आधार सेंटर नज़दीक में पड़ता है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास एक ग्रीन और एक रेड आता होगा। तो आप ग्रीन का मतलब है कि आप उस डाटा पर बुक कर सकते हैं, और रेड का मतलब वो डाटा बुक है। तो चलिए हम यहाँ पे 24 तारीख को फिलहाल अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। 24 तारीख पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास समय पूछा जाएगा कि आप किस समय में वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों
टाइम जो भी ग्रीन दिख रहा होगा वहीं पे आप बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 बजे का बुक करते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे करना होगा, यानी कि आपको मामूली सी फ़ी देना होगी 50 रुपया, जो कि आपको आधार सेंटर पर ही देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अमाउंट होगा 50 रुपया, वो आपको आधार सेंटर पर जाकर देना होगा। तो यहाँ पे कंफर्म बुक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसको ओपन कर लेंगे और इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने फिलअप किया था उसके पूरा डाटा आ चुका है। तो आपको इसको प्रिंट करा कर दोस्तों, और आप जिस भी डेट में बुक किए हैं अपॉइंटमेंट, आपको इसी आधार सेंटर पर जाना होगा। और उसके बाद आपको 15 मिनट का समय देना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एप्लीकेंट सिग्नेचर में साइन भी करना होगा इस फॉर्म पे। उसके बाद आपका आधार जो है सुधर जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आप एक लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे को पता नहीं है कि आधार किस प्रकार से सुधार होगा, तो इसके बारे में सभी को जानकारी मिल जाए। तो आप शेयर अवश्य करें और एक लाइक करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।